तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको खुद की 52 फोटोज रेडी करके रख देनी है। 52 फोटो रेडी हो जाने के बाद यहाँ पर आपको दो टेम्पलेट यूज़ करने हैं। तो टेम्पलेट मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। एक जो टेम्पलेट है ये वाला है और सेकेंड जो टेम्पलेट है ये वाला है। तो ये दोनों जो टेम्पलेट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल नहीं होगा, टेलीग्राम आप यूज़ करते नहीं होगे, तो यहाँ पर मैंने एक ड्राइव का लिंक भी दिया हुआ है, उसमें भी आप वहाँ से भी आप ये जो टेम्पलेट है और जो बैकग्राउंड ऑडियो है वो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको कहीं से भी ये जो टेम्पलेट है और जो बैकग्राउंड ऑडियो है उसे डाउनलोड करके सबसे पहले रख देना है। तो 52 फोटोज और ये दो टेम्पलेट डाउनलोड हो जाने के बाद प्ले स्टोर पर जाके आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको कुछ ऐड्स आ सकते हैं, इनको आपको स्किप करना है। स्किप करने के बाद स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये वाला टेम्पलेट है जो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी शो कर रहा हूँ, तो ये वाला जो टेम्पलेट आपने डाउनलोड किया रहेगा सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर आपको फोटो का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। ऊपर एक ऑल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ऑल के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी आपको आपके मोबाइल पर जितने भी फोल्डर है वो सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने वो फोटोज रखे होंगे उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है। और यहाँ पर अभी आपको टोटल 52 फोटोज़ को सिलेक्ट करते जाना है। तो कुछ इस तरीके से आपको रैंडमली फोटोज़ को सिलेक्ट करते जाना है। तो इस तरीके से 52 फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद फिर से आपको ऊपर एक वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और अभी यहाँ पर आपको जो सेकेंड आपका टेम्पलेट था, जो मैंने वीडियो का टेम्पलेट आपको बताया था, तो ये वाला टेम्पलेट है, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी आपने सिलेक्ट किया था कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अभी स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और ऊपर जो 9:16 लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, वीडियो के एकदम एंड पॉइंट पे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्लैक कलर का फोटो आपको दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग पर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। म्यूजिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी जो ट्रेंड है इसके लिए बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो बैकग्राउंड ऑडियो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। और नीचे जो दूसरा एक ड्राइव का लिंक दिया है उसमें भी रहेगा, तो कहीं पर से भी आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आके आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने चूज का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा, इसे 100 करना है। फेड इन फेड आउट आपको 0 रखना है। इसके बाद नीचे एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको टोटल 52 बीट्स ऐड करनी है। तो बीट कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको बताया था। जैसे स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका और जैसे आप इस ऑडियो के बार को आगे करोगे तो यहाँ पर टाइम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट बीट है उसका टाइम है 4.11। तो यहाँ पर 4.11 आने तक आपको इसे मूव करना है, और जिस पॉइंट पे 4.11 आ जाएगा उस पॉइंट पे आकर रुक जाना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 4.11 आ चुका है। तो इस पॉइंट पे आके स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस एक रेड कलर का सर्कल बटन दिखेगा, जिसके अंदर एक फ्लैग का आइकॉन बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर एक नंबर आ जाएगा, मतलब आपकी फर्स्ट बीट यहाँ पर ऐड हो चुकी है। और जो यहाँ पर जो एकदम लास्ट नंबर की बीट है वो है 52, मतलब 52 नंबर वाले जो बीट है उसका टाइम है 12.26। तो यहाँ पर 12.26 आने तक आपको यहाँ पर देखना है। तो अभी आप देख सकते हो इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर 12.26 आ चुका है। तो ये आपकी 52 नंबर वाली लास्ट वाली बीट है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी क्लिक करने के बाद 52 आ चुका है। तो इसके अंदर वाले जितने भी बीट है यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में इसका टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर एकदम सिंपल है इस तरीके का जो बीट है उन्हें अरेंज करना। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ थोड़े से बीट डिलीट करके। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बीच वाले बीट्स मैंने डिलीट कर दिए। तो बीट्स कैसे, मैंने फर्स्ट वाली तो आपको बताई थी 4.11, और लास्ट वाली भी आपको बता दी थी जो थी 12.26। तो अब बीच वाले बीट्स कैसे ऐड करने हैं, तो फर्स्ट बीट यहाँ पर आपने ऐड किया, उसके आगे आप देख सकते हो ऑडियो के बारे में ऐसे आपको एक पॉइंटेड एक आपको मार्क दिखेगा, ऐसे मतलब माउंटेन शेप का एक दिखेगा। तो उसके ऊपर सिर्फ आपको क्लिक करते जाना है। तो ये हो गया आपकी सेकेंड बीट, फिर उसके आगे वाला वो शेप रहेगा, ये थर्ड बीट, उसके बाद है फोर्थ बीट, इसके बाद है फिफ्थ बीट। तो ऐसे आपको टोटल 52 बीट्स है, इसलिए मैंने फर्स्ट और लास्ट बीट का आपको टाइम बता दिया। फिर बीच वाले जितने भी है आप देख सकते हो, जितने भी आपको ऊपर ऐसे एरो टाइप जो दिख रहा है उसके ऊपर आपको सिर्फ क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पर आपका बराबर 52 बीट्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे बीट ऐड हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट साइड पर नीचे एक सिंगल टिक मार्क है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आपको करना क्या है, जैसे कोई भी फोटो को आप जूम करते हो, वैसे दो उंगलियों की मदद से यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम कर लेना है।
ताकि आपको एडिट करने के लिए स्पेस मिल जाएगी। अभी आपको क्या करना है, अभी आप देख सकते हो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑडियो का बार है, इसमें आपकी छोटी छोटी वर्टिकल लाइन शो हो रही है। तो जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, इस फर्स्ट वर्टिकल लाइन मतलब हर एक वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग आपको हर एक फोटो को यहाँ पर एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक करके फर्स्ट फोटो को आपको उस पॉइंट तक ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से, फिर सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करके सेकेंड फोटो को ड्रैग करना है, फिर थर्ड लाइन को सिलेक्ट करके थर्ड फोटो को आपको ड्रैग करना है। ऐसे आपको हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो को यहाँ पर ड्रैग करके ले लेना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो को यहाँ पर एडजस्ट करके ले लिया है। सारे यहाँ तक आपके 52 फोटो एडजस्ट हो जाएंगे लास्ट वाले लाइन तक। इसके बाद जो वीडियो का आपको मैंने जो एक टेम्पलेट दिया था वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। बस इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है। इस वीडियो को एक बार आप यहाँ पर प्ले करके देखोगे तो परफेक्टली बीट्स के अकॉर्डिंग मैच होता है, आपका जो रील है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर बाकी कोई इफेक्ट वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करना, ये रील यहाँ पर आपका रेडी हो चुका है। इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड के ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बनाया हुआ जो वीडियो है ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बनाया हुआ वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।